हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस वेक्टर स्पेस पार्ट वन इन लीनियर एल्जेब्रा। स्टूडेंट्स, आई हैव मेड दीज लेक्चर्स इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। फॉर इंग्लिश वर्जन प्लीज़ गो टू प्लेलिस्ट। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस पार्ट वन को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में मैंने सबसे पहले वेक्टर्स और स्केलर एंड स्केलर फील्ड क्या होते हैं ये बताया है, फिर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, देन वेक्टर स्पेस एंड सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब तक हमने दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को पढ़ा है। फर्स्ट है ग्रुप, जिसमें हम एक बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। ग्रुप आपने इससे पहले अच्छी तरह से पढ़ चुका है, उसमें हम अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, साइकिल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, ये सब हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे। देन रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड, जिसमें हम टू बाइनरी ऑपरेशंस को कंसिडर करते हैं। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, जिस पर पूरा लीनियर एल्जेब्रा बेस्ड है। इसी वेक्टर स्पेस पर पूरा लीनियर एल्जेब्रा बेस्ड है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन स्केलर। स्केलर्स, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय स्केलर्स। एडिशंस ऑफ स्केलर, फॉर ईच पेयर ए एंड बी ऑफ स्केलर्स देयर एग्जिस्ट ए स्केलर ए प्लस बी विच इज़ कॉल्ड सम ऑफ ए बी सच दैट। ये हमारे पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो है ये होल्ड करनी चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स एडिशन ऑफ स्केलर इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ स्केलर इज एसोशिएटिव। एसोशिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, ए बी सी हमारे पास स्केलर है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस प्लस सी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर जीरो सच दैट ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर एनी स्केलर। जीरो इज कॉल्ड, इसको हम ओ भी बोलते हैं। ओ की वैल्यू क्या है हमारी, इसमें जीरो है और ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक होता है। नेक्स्ट है, फॉर ईच स्केलर ए देयर एग्जिस्ट इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए सच दैट माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, यानी यूनिट एलिमेंट इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए। हेयर माइनस ए इज ए स्केलर, माइनस ए भी जो है स्केलर होना चाहिए। नाउ कम टू प्रोडक्ट ऑफ स्केलर। स्केलर की प्रोडक्ट हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, फॉर ईच पेयर ए एंड बी, जो स्केलर है हमारे पास ए और बी, देर एग्जिस्ट ए स्केलर ए बी, ए इंटू बी विच इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सच दैट। इसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स दिस इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लीकेशन के लिए स्केलर्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, दिस इज़ एसोशिएटिव लॉ, ए बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी वेयर ए बी सी आर एनी स्केलर्स, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्केलर इज एसोशिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर आई सच दैट ए डॉट आई, आई हमारा वन होता है इसमें, ए डॉट वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन डॉट ए फॉर एनी स्केलर, किसी भी स्केलर के लिए होना चाहिए, के लिए ट्रू है ये। हेयर वन इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट और एंड इट इज यूनिक फॉर ईच। नेक्स्ट है, फॉर ईच स्केलर देयर एग्जिस्ट ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज ए इनवर्स सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू वन इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, एंड इसी तरह से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, फिर
ए बी सी आर एनी स्केलर्स, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट एंड राइट बोथ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ स्केलर्स. नाउ कम टू स्केलर फील्ड. एनी सेट ऑफ स्केलर्स विद टू कंपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा, टू कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो कि अभी हमने ऊपर डिफाइन करी है, डिफाइंड ऑन इट इज कॉल्ड अ स्केलर फील्ड एंड ऑल स्केलर्स आर इट्स एलिमेंट. जितने भी स्केलर हैं वो सब इस फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए. नाउ कम टू वैक्टर्स. एडिशन ऑफ वैक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. फॉर ईच पेयर अल्फा एंड बीटा ऑफ वैक्टर्स देयर एग्जिस्ट ए वैक्टर अल्फा प्लस बीटा विच इज कॉल्ड सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा एंड बीटा सच दैट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो ए वैक्टर दैट इज एडिशन ऑफ वैक्टर्स सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा इज अ कम्यूटेटिव लॉ. थर्ड वन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेयर अल्फा बीटा गामा आर एनी वैक्टर्स एडिशन ऑफ वैक्टर्स इज एसोशिएटिव होना चाहिए. नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट अ वैक्टर ज़ीरो दैट इज नल वैक्टर और द ज़ीरो वैक्टर इसको हम कहेंगे सच दैट अल्फा प्लस ज़ीरो इक्वल टू अल्फा इक्वल टू ज़ीरो प्लस अल्फा फॉर एनी वैक्टर अल्फा देयर एग्जिस्ट अ ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ ज़ीरो इज यूनिक यूनिक होना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर ईच वैक्टर अल्फा देयर एग्जिस्ट इट्स एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा. हेयर माइनस अल्फा जो है ये भी हमारा वैक्टर ही होना चाहिए. नाउ कम टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन. अभी हमने प्रोडक्ट करी थी कंसिडर इससे पहले, अब है हमारी स्केलर मल्टीप्लीकेशन. इसमें है इफ ए एंड बी, ए और बी हमारे पास स्केलर है एंड अल्फा बी अ वैक्टर देन ए इंटू अल्फा इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड अल्फा बट इज ए वैक्टर. जब हम स्केलर और वैक्टर की प्रोडक्ट करते हैं और ए अल्फा हमें मिलता है तो ये हमारा वेक्टर होगा. इफ ए बी एनी स्केलर एंड अल्फा बीटा बी एनी टू वेक्टर्स देन दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन ओबेज द फॉलोइंग लॉज. ये नियम हमारे पास ट्रू होने चाहिए. फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ए ए इंटू बी अल्फा. ए बी स्केलर है अल्फा वेक्टर है ये हमारा, हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी अल्फा. सेकेंड है ए प्लस बी जो कि स्केलर है अल्फा वेक्टर है इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा एंड आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए इसकी वन अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू वन. नाउ कम टू इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. लेट एस बी एनी सेट, कोई भी सेट है देन इफ अल्फा डॉट बी जो है बीटा अल्फा डॉट बीटा दो वेक्टर है हमारे पास इक्वल टू सॉरी बिलोंग्स टू एस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस सभी अल्फा बीटा के लिए हमारा ट्रू होना चाहिए. वेयर एस इज एनी सेट एंड इफ अल्फा ओ बीटा इज यूनिक, ये अगर हमारे पास यूनिक है देन दिस ऑपरेशन डॉट जो इसको हम डॉट भी कहते हैं, कभी कभी हम इसको ब्लैंक भी यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम कुछ नहीं लिखते हैं कभी, और ओ नोटेशन से भी कहीं कहीं बुक में मिलेगा, इज कॉल्ड एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन दी सेट एस. एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं. लेट एफ बी एनी फील्ड ऑफ स्केलर, स्केलर्स एलिमेंट है एफ फील्ड है एंड वी बी द सेट ऑफ वैक्टर्स, वी जो है हमारे पास वेक्टर का सेट है. देन फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए ए डॉट अल्फा या ए नॉट, नॉट भी बोलते हैं इसको, नॉट अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ए तो एफ में होना चाहिए एंड अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी.
एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इफ ए ओ एल्फा इज यूनिक, ये यूनिक होना चाहिए, देन द ऑपरेशन नॉट या डॉट या इसको हम ब्लैंक कर लिख सकते हैं इज कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू वेक्टर स्पेस, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, ओवर अ फील्ड एफ, वी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, एफ फील्ड है, इफ फॉर एनी ए वी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करनी चाहिए। नंबर वन है वी इज एन अबेलियन एडिटिव ग्रुप, अबेलियन एडिटिव ग्रुप के लिए आप जानते हैं पांच प्रॉपर्टी फाइव प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट है ए बिलोंग्स टू एफ अल्फा बिलोंग्स टू वी, दिस इम्प्लाइज ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू वी, दैट मीन्स वी इज क्लोज्ड फॉर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड है द फॉलोइंग लॉज, फोर लॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन आर सेटिस्फाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंस अभी ऊपर बताया मैंने आपको, तो ये लॉ है हमारे पास। फर्स्ट है ए इन डॉट एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए एल्फा प्लस ए बीटा, सेकेंड है ए प्लस बी एल्फा इक्वल टू ए एल्फा प्लस बी एल्फा, ए बी एल्फा इक्वल टू ए बी एल्फा एंड यूनिटी एलिमेंट ऑफ वी इज फोर्थ है वन डॉट एल्फा इक्वल टू एल्फा वेयर वन इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ, द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है, वी के जितने भी एलिमेंट्स वो वेक्टर्स कहलाएंगे, एंड द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। ए वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज डिनोटेड बाय, ये इसको ध्यान से देखिए, ये नोटेशन है वी इज, हम लिखेंगे वी ब्रैकेट में एफ, बट समटाइम्स वी राइट इट ओनली वी इफ इट इज क्लियर एज टू विच फील्ड इज बींग कंसिडर, अगर हमें पता है कौन सा फील्ड कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको वी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो हमारा वी और ब्रैकेट में एफ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन, इफ एफ इज़ द फील्ड ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स देन वी इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस, इफ एफ इज़ द फील्ड सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। थर्ड है इफ एफ इज़ द फील्ड ऑफ क्यू, क्यू से रेशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करते हैं, देन वी इज कॉल्ड अ रेशनल वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट है स्पेस ज़ीरो, इस तरह से डिफाइन करेंगे, इज कॉल्ड अ नल स्पेस और ज़ीरो स्पेस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, द सेट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आएगा ये, आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड डिनोटेड बाय वी थ्री, इस ये हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ होता है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। नाउ कम टू सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस, एनी ऑर्डर्ड सेट ए वन ए टू ए थ्री ए एन ऑफ एन एलिमेंट्स ओवर अ फील्ड एफ, ठीक है, एफ पर ये है, इज कॉल्ड एन ट्यूपल ओवर एफ एंड द सेट ऑफ एन ट्यूपल ओवर अ फील्ड इज डिनोटेड बाय वी एन एफ, इस तरह से वी एन एफ, इसका मतलब एन एलिमेंट्स इसमें हम कंसीडर करते हैं। इफ अ वेक्टर अल्फा एंड बीटा आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायड्स, यानी कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री रेस्पेक्टिवली, ये हमारे पास डिफाइंड है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसमें थ्री का सेट है अल्फा प्लस अल्फा वन प्लस बीटा वन कॉमा अल्फा टू प्लस बीटा टू अल्फा थ्री प्लस बीटा थ्री एंड ए अल्फा का मतलब हो जाएगा ए अल्फा वन ए अल्फा टू ए अल्फा थ्री वेयर ए इज एनी रियल नंबर। जनरली इफ अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंटेड बाय एन ट्यूपल्स, इसमें हमारे पास एन ट्यूपल्स हैं यानी कि एन एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ए वन ए टू ए एन एंड बी वन बी टू
बी एन रेस्पेक्टिवली, देन वी डिफाइन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन प्लस बीटा वन बीटा टू बीटा एन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। जनरल तरीका है लिखने का हमारा अल्फा वन प्लस बीटा वन अल्फा टू प्लस बीटा एन एंड सो ऑन एंड लास्ट में अल्फा एन प्लस बीटा एन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इक्वल टू ए अल्फा वन ए अल्फा टू ए अल्फा एन वेयर ए बिलोंग्स टू एफ। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जो कि एज ए क्वेश्चन भी होंगे और एज ए थ्योरम भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिएगा, और अब इसके अगर आप पीडीएफ नोट्स अगर आपको ज़रूरत है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में ये शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।